चोर एक कीमती डायमंड चुराने के लिए एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। अब वाओ, ये डायमंड तो आज चुरा ही लेंगे। प्लान ए एग्जीक्यूट करो। कामना धीरे से जाती है और वहां की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है, और जब लाइट वापस आती है तो डायमंड वहां से गायब था। सारे लोग शॉक हो जाते हैं, डायमंड चोरी हो गया। लॉजिकल आर्मी, डायमंड कहाँ है और किसने चोरी किया है? ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व करो और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। ध्यान से ये बूढ़े आदमी को देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि रोहन है। इसके कपड़े और शूज देखो, इसने चोरी करके अपना भेष बदल लिया और बूढ़ा आदमी बन गया। सर को मैडम, इस बूढ़े आदमी को आगे जाने दो। आलिया उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखती है। तुम बूढ़े नहीं लग रहे, तुमने ही डायमंड चुराया है। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से इस आदमी को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इस आदमी ने क्या गलती कर दी जिससे आलिया को इस पे शक हो गया। सोचिए। कपल चोर वैसे तो बहुत चालाक है। रोहन ने बुढ़ा दिखने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके हाथ के हेयर्स देखिए एकदम ब्लैक है। अब सर के हेयर्स व्हाइट है, दाढ़ी के हेयर्स व्हाइट है, तो हाथ के हेयर्स इतने ब्लैक कैसे हो सकते हैं? आलिया तुरंत रोहन को पकड़ने जाती है, तो रोहन आलिया के ऊपर चेयर फेंक के मारता है। आलिया किक मारती है और चेयर टूट जाती है। तुम तो कच्चे खिलाड़ी निकले, यू आर अंडर अरेस्ट। तभी आलिया को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, ये मुझे मार देगी। चोर से पहले उस लड़की की जान बचाना जरूरी है। आलिया रोहन को छोड़ तुरंत उस लड़की को बचाने के लिए अंदर भागती है, और जब वो रूम में पहुंचती है तो वहां पे कोई नहीं था। ये डबल गेम कपल चोर ने आलिया के साथ खेला। कामना ने अंदर से आवाज लगाई और रोहन को बचा लिया। वही कपल चोर पार्किंग में पहुंच जाते हैं। क्या चकमा दिया तुमने आलिया को, इज द बेस्ट कपल चोर, इज द बेस्ट। दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। आलिया बाहर आकर देखती है तो रोहन वहां से भाग चुका था। तभी बिगुल भी वहां पहुंच जाता है। आलिया जल्दी चलो, दोनों पार्किंग की तरफ गए हैं। दोनों पार्किंग में पहुंच जाते हैं, दोनों यहां से भाग गए हैं। तो आजकल आदमी, बिगुल को ऐसा क्यों लगा कि कपल चोर वहां से भाग चुके हैं? सोचिए। पार्किंग स्पेस में बस चार पार्किंग की जगह है। पहले में तो कार खड़ी है, काफी गंदी है, मतलब काफी टाइम से खड़ी है। दूसरे में एक ही पैर के निशान है, मतलब इस कार से कोई एक जन ही गया है। तीसरे में जो कार खड़ी है वो काफी ओल्ड और खतरा टाइप लग रही है। ऑब्वियस है, कपल चोर ऐसी कार में चोरी करने नहीं आएंगे, वो तो आसानी से पकड़े जाएंगे। वो पार्किंग काली है और वहां पे दो लोगों के पैरों के निशान है, मतलब यही उनकी कार थी और वो यहां से भाग गए हैं। मेहुल भी तुरंत अपनी कार निकालता है और चौराहे पे पहुंच जाता है। आलिया, यहाँ सामने तीन रास्ते हैं, क्या लगता है कपल चोर ने कौन सा रास्ता लिया होगा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं कपल चोर कहाँ से भागे होंगे? सोचिए। तीसरे रास्ते से तो कार आ रही है, यहाँ से नहीं जाएंगे। पहला रास्ता जंगल का है और खाली है, यहाँ से भागेंगे तो उन्हें चेस करना आसान होगा। वो जरूर दूसरे रास्ते से भागे होंगे। आलिया भी यही लॉजिक लगाती है। मेहुल और आलिया रास्ता टू लेके कपल चोर को ढूंढने लगते हैं। मेहुल कार की स्पीड और बढ़ा देता है। वहीं कपल चोर देख लेते हैं कि उनका पीछा करते हुए मेहुल और आलिया भी आ रहे हैं। तभी कामना कहती है, ओ आलिया और मेहुल हमारा पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। रोहन अपनी सुपर कार से एक बटन दबाता है जिससे कार के पीछे से बहुत सारी शार्प कीले निकलने लगती है और हुड पे गिर जाते हैं, और कपल चोर वहां से आगे भाग जाता है। सर, अब क्या करेंगे, इन कीलों को हटाने में तो काफी वक्त लग जाएगा। आलिया, अपनी कार भी सुपर कार है। मेहुल एक बटन दबाता है और कार से एक मैग्नेट बाहर आता है। मैग्नेट पूरे कीलों को पुल कर लेता है। मैग्नेट हमेशा आयरन की चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मेहुल और आलिया फिर चोरों का पीछा करने लगते है। वही कपल चोर को लगता है कि उन्होंने मेहुल और आलिया को उल्लू बना दिया। भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं और खाना खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। तभी आलिया और मेहुल भी वहां पहुंच जाते हैं। मेहुल और आलिया दोनों साइड में छुपकर कपल चोर के बाहर आने का वेट करने लगते हैं। सबसे पहले कामना बाहर आती है। आलिया पीछे से उसका हाथ पकड़ती है।
तभी जोहन भी आ जाता है और कामना को देख समझ जाता है कि उसका खेल अब खत्म हुआ। मेहुल, मान गए तुम्हें, तुम सच में बहुत तेज हो, लेकिन इतने तेज भी नहीं कि बॉम्ब को फटने से रोक पाओ। कौन सा बॉम्ब? वही जो मेरे कार के अंदर है, मेरे बटन दबाते से वो फट जाएगा। मेहुल कार के अंदर दिखता है तो एक बॉम्ब रखा हुआ था। कामना को छोड़ो वरना मैं ये बटन दबा दूंगा और कई लोग मारे जाएंगे। आलिया कामना को छोड़ देती है, फिर भी रोहन बटन दबा देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ओह नो, बॉम्ब तो डिफ्यूज हो गया लेकिन ये कपल चोर भाग गए। वहीं दूसरी तरफ कपल चोर एक और चोरी करने के लिए म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही कामना वहां का पावर ऑफ कर देती है ताकि कोई अलार्म ना बज सके। दोनों अंदर एंटर ही करने वाले होते हैं तो देखते हैं कि अंदर जाने के लिए वहां तीन डोर्स है। पहले डोर के पीछे जहरीली गैस है जो एक मिनट में इंसान को मार सकती है। दूसरे डोर के पीछे 5000 वॉट का करंट है जो कुछ सेकंड में ही इंसान को मार देगा। तीसरे गेट के पीछे खूंखार डॉग्स है जो इंसान को मारने में वक्त नहीं लगाएंगे। तो लॉजिकल आर्मी कौन सा गेट चुनेंगे कपल चोर? सोचिए सोचिए। कामना ने ऑलरेडी बिजली कट कर दी है तो उन्हें करंट कैसे लगेगा, मतलब डोर टू सेफ है। दोनों डोर टू से अंदर जाते हैं तो एक बड़े कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बेशकीमती खजाना रखा हुआ था। कामना आगे जाने लगती है। रुक जाओ, यहाँ कुछ अजीब है। क्या अजीब है? हमारे सामने खजाना है और तुम मना कर रहे हो? तुम खुद सोचो कि यहाँ इतना खजाना है लेकिन कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कामना देखती है कि वहाँ के दीवारों में छेद बने हुए हैं। कामना अपना बैग आगे की तरफ फेंकती है तो तभी वहां से बहुत सारे तीर निकल कर बैग पे अटैक कर देते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि इन तीर से बच के आगे निकलने के लिए कुछ और सोचना होगा। तभी रोहन देखता है कि जमीन पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें एक कलर्स का पैटर्न बना हुआ है। कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ येलो है और कुछ व्हाइट है। और ठीक उनके सामने एक रिडल है और उस रिडल का सही जवाब इन चारों कलर में से कोई एक कलर होगा। और उन कलर्स की टाइल्स पे पैर रख के ये आगे जा सकते हैं। और सवाल लिखा हुआ था, मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। अब लॉजिकल आर्मी, इन्हें किसकी तलाश है और ये कौन सा कलर हो सकता है? सोचिए सोचिए। इसका जवाब है येलो कलर, क्योंकि खजाना पूरा येलो कलर का है और दोनों खजाना लेने के लिए आए हैं, मतलब दोनों को येलो कलर के बॉक्सेस पे जंप करते हुए आगे जाना है। दोनों बॉक्सेस पे जंप करते हुए खजाने तक पहुंच जाते हैं, चोरी करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वहीं मेहुल अब कपल चोर से काफी दूर था, उसको अब दोनों की लोकेशन का कुछ मालूम नहीं था। तभी मेहुल को खबर मिलती है कि एक म्यूजियम से खजाना चोरी हो गया है। आलिया, तुम साइंटिस्ट भूलभुलैया के पास जाओ और कोई इंटरेस्टिंग गैजेट लेके आओ जिससे हम इन दोनों कपल चोर को पकड़ सके। आलिया वहां से साइंटिस्ट बुलबुलैया के लैब के लिए निकल जाती है। साइंटिस्ट ने उसके लैब तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलैया बना रखी थी। क्या बता सकते हैं ए बी सी डी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के लैब तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता सी साइंटिस्ट के घर तक जाता है कुछ इस तरह से। आलिया रास्ता सी लेती है और साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाती है। वहीं मेहुल को सोनिया से खबर मिलती है कि कपल चोर एक म्यूजियम के पास देखे गए हैं। मेहुल तेजी से वहां पहुंच जाता है। मेहुल बस म्यूजियम के बाहर ही पहुंचता है तो देखता है कि कपल चोर चोरी करके वहां से भाग रहे हैं। ये फिर चोरी करके बच के निकल गए। मेहुल म्यूजियम के अंदर जाता है और मैनेजर से मिलता है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि म्यूजियम से एंटीक वॉच चोरी हो गई है। तब मेहुल मैनेजर को कहता है कि वॉच के साथ साथ यहाँ से एक एंटिक पेंटिंग भी चोरी हुई है। अब मैनेजर को लग रहा था कि बस वॉच चोरी हुई है, तो मेहुल इतना श्योर कैसे हो सकता है कि एक पेंटिंग भी चोरी हुई है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। जहाँ वॉच चोरी हुई है उसके पीछे की पेंटिंग्स को देखिए। म्यूजियम की पेंटिंग में प्राइस टैग नहीं हो सकता। बाकी तीन पेंटिंग में प्राइस टैग नहीं है लेकिन इस पेंटिंग में है। मैनेजर मेहुल से एकदम इम्प्रेस हो जाता है। आलिया सही कहती है, तीन एलोहा प्लास्टिक मेहुल से फैंटास्टिक। उन्होंने असली पेंटिंग चुरा के यहाँ पे नकली पेंटिंग रखती है। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग म्यूजियम में घुसे कैसे? वहीं दूसरी तरफ आलिया बुलबुलैया साइंटिस्ट के पास पहुँच जाती है। सर, ये कपल चोर ने तो बहुत परेशान करके रखा है, बहुत चोरियां कर रहे हैं और हमें उल्लू बना के निकल जाते हैं। तब बुलबुलैया साइंटिस्ट आलिया को एक पेन देता है और कहता है,
आज मैंने इस गैजेट को इन्वेंट किया है। देखिए बोल रहे हैं साइंटिस्ट, ये किस काम आएगा? हमें चोरों को पकड़ना है, उनसे शायरियां नहीं लिखवानी है। ये एक मल्टीपर्पज गैजेट है। इस पेन को किसी भी मेटल वाली सरफेस से टच करके उसे एक पल में तोड़ सकते हैं, चाहे वो मेटल किसी का भी हो, कितना भी मोटा या कितना भी भारी हो। बट अभी फिलहाल मेरे पास यही है। आलिया बुलबुले साइंटिस्ट से गैजेट लेकर सीधा मैं उनके पास आ जाती है और मैं उनको गैजेट के बारे में बताती है। वहीं कपल चोर नेक्स्ट चोरी का प्लान कर रहे होते हैं। कब तक ये छोटी मोटी चोरी करेंगे? तुम बस देखती जाओ, आज ये लास्ट चोरी है, इसके बाद हमें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे? ऐसी कौन सी जगह चोरी करने वाले हैं हम? अब हम नेशनल लेवल की चोरी करेंगे, जहाँ हमारे देश के सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और फिर हम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर लाइफ टाइम पैसा कमाएंगे। दोनों आज रात एक गवर्नमेंट लोकेशन में चोरी करने का प्लान करते हैं। दोनों एक गवर्नमेंट ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिस में कौन चोरी करेगा, तो गार्ड आराम से बैठ के गप्पे मार रहे थे। दोनों बड़ी आसानी से अंदर चले जाते हैं। उन्हें टेबल पे बहुत सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तभी वहां एक बॉक्स के ऊपर हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, जिसे रोहन उठाने जाता है। नहीं, इसको मत लो, ना जाने इसमें ऐसा क्या है, हमारे पास काफी डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, क्या पता ये अकेले ही हमें अमीर बना दे। रोहन उसको उठा लेता है और तभी वहां अलार्म बजने लगते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये क्या हो गया, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हमारे पास लेजर्स है, हम आसानी से निकल जाएंगे। धीरे धीरे वहां गर्मी बढ़ने लगती है। रोहन अपनी लेजर्स निकालता है और वॉल्स पे होल करने लगता है, लेकिन ये क्या, वॉल्स पे कुछ भी नहीं हो रहा था। गर्मी बढ़ने लगती है, दोनों को चक्कर आने लगते हैं। ये गवर्नमेंट लोकेशन तो बहुत ज्यादा ही सिक्योर्ड है, अब क्या करेंगे? दोनों वहां बेहोश होके गिर जाते हैं। तभी मेहुल बाहर से बुलबुले साइंटिस्ट के पेन से होल करता है और दोनों को बचा लेता है और सीधा पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, मेहुल और आलिया रॉक्स।